इंडियन टैलेंट अकेडमी के ओम रवि शुभम, आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं वो रोग है टीबी। ये टीबी एक ऐसा रोग है जो फैलने से फैलता है। किसी रोग की वो होता है कीटाणु, ऐसा कीटाणु होता है जो हवा में फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि किसी मरीज को अगर होता है उसके खांसने से, थूकने से या छींकने से ये हवा में फैल जाता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी जाकर के बीमार कर देता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि मरीज को भूख नहीं लगती, जिसके कि उसके सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और उसको बुखार हमेशा बना ही रहता है, शरीर थका थका सा रहता है, भूख खत्म हो जाती है, रात को सोते वक्त पसीना आता है, जिससे वजन भी कम हो जाता है उसका, और गले में खराश बनी रहती है, जिससे कि उसको खांसने में थूक के साथ खून भी थोड़ा सा निकलने लग जाता है। तो ऐसे टीबी के बहुत से और भी लक्षण हैं, जिससे कि मरीज को लगातार खांसी बनी रहती है, और सांस की भी प्रॉब्लम होती है, और छाती जकड़ सी जाती है, और छाती में दर्द सा बना रहता है। तो ऐसे ही टीबी के लक्षण हैं। तो इन ऐसे टीबी से बचने के लिए और टीबी को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने 10 ग्राम आंवला और 10 ग्राम सेब का मुरब्बा सुबह शाम लेते रहना है, और इसके अलावा चार आंवलों के रस में शहद मिला करके खाने से भी इससे बहुत ही टीबी में लाभ होता है, और जो है वायरस जो है अंदर जो टीबी का वायरस है वो धीरे धीरे मर जाता है, और मरीज पहले से स्वस्थ और तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस होता है इसको करने से, धीरे धीरे लेकिन मरीज ठीक हो जाता है। तो इसके अलावा टीबी के बारे में और भी अधिक जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मजे को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर आप हमारे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।